भारत के महान शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने कर्मों के बदौलत पूरे विश्व में भारत का नाम मिसाइल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोशन किया। एक मछुआरे के बेटे से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ऐसे महान व्यक्ति को भला कौन भुला सकता है, जिनकी पूरी जिंदगी ही लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे एक उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में जन्म लिया था। अपनी लगन, मेहनत और उच्च सिद्धांतों के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुँचे। भारत के हर घर में उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ का हर स्टूडेंट उनको अपना आदर्श मानता है। आइए आज जानते हैं अब्दुल कलाम के महान विचारों को, जिनके दम पर उन्होंने सफलता की महान बुलंदियों को छुआ। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपे साहस के असीमित भंडार को खोज पाते हैं। जब हम असफल होते हैं, तभी हमें यह एहसास हो पाता है कि संसाधन हमारे पास हमेशा होते हैं, हमें केवल उन्हें खोजने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, माता, पिता और गुरु। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई दूसरा लक्ष्य। ऊपर आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। सपने देखने वालों और मेहनत करने वालों के सपने पूरे करने में समस्त ब्रह्मांड उनकी मदद करता है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें उन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं को है, वे अलग तरह से सोचने का साहस रखें, कुछ नया करने का साहस रखें, अनजाने रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें, समस्याओं पर जीत हासिल करने का साहस रखें। यह महान गुण है जिन पर युवाओं को जरूर कार्य करना चाहिए। इन चार सिद्धांतों का पालन करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। महान लक्ष्य बनाना, ज्ञान अर्जित करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ रहना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।